जिंदाबाद सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जुल्म जोर के चक्कर में बस हमारा नारा है। देखिए हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और मैं आपको दिखा दूं, आज यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि ये धरना हो रहा है हमारा विश्व पत्रकार महासंघ द्वारा। पत्रकारों के साथ जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो उनके साथ जो है कहीं उन्हें मार दिया जाता है तो कभी उन्हें बेगुनाह को आए दिन उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम यहाँ पे आए हुए विश्व पत्रकार महासंघ के जो भी यहाँ पे लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं उनसे। मैं विश्व पत्रकार महासंघ का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए बड़े शहरों में पत्रकारिता करना बहुत आसान है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी जगह पर तहसील और ब्लॉक स्तर पर पत्रकारिता करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल का कारण बन गया है। हमारा क्षेत्र रेत खनन माफिया का ऐसा गिरोह बन गया है वहाँ कि छोटे पत्रकारों पर आए दिन हमले होते रहते हैं। दूसरा व्यवस्था, पत्रकार का काम खबर छापना है, जब वो खबर छापता है तो वो राजनीतिक लोगों के दबाव के कारण कुछ उनके जो गुर्गे होते हैं वो हमारे पत्रकार साथियों पे हमले कर रहे हैं। जैसे हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं श्री शिवशंकर त्रिपाठी जी पर 30 जून को हमला हुआ, उन पर प्राणघातक हमला किया गया और उनको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जबकि एक और एक नई चीज़ उन्होंने की कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने एक क्रॉस मुकदमा उन पर लगा दिया है ताकि उन पर दबाव बने राजीनामे के। बहुत सारे इन पत्रकारों के मामलों को लेकर आए दिन प्रदर्शन चलते रहते हैं, आए दिन आप देखते हैं हर जिले में हर देश में तमाम, जैसे अभी कानपुर में एक मामला हुआ है, दोनों भाई को खत्म कर दिया है, बताया गया है सहारनपुर में, बताया गया पुलिस प्रशासन का पूरा उसमें हाथ है, तो कैसे होगा सर, क्यों प्रशासन सुन नहीं रही है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कर रही कुछ भी? देखिए पत्रकार दूसरों की समस्या खड़ी करके समाधान के लिए तो रोज लड़ाई लड़ता है, अपनी के लिए वो शांत रहता है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि उसको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे बड़ा मीडिया हो चाहे छोटा मीडिया हो, उसके साथ भी उसके भी संवाद होते हैं। आज बड़ा से बड़ा मीडिया हो और जब तहसील और ब्लॉक स्तर पर उसका कार्यकर्ता नहीं होगा, उसका संवाददाता नहीं होगा तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। आज जंतर मंतर पे क्या गुहार लगा रहे हैं आप, कैसी सुरक्षा पत्रकार की होनी चाहिए? जंतर मंतर पे गुहार लगा रहे हैं हम कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं असली पत्रकारिता जो करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमको सूचना देते हैं, हम लीड बनाते हैं, लीड कहाँ की बनती है, उस गाँव की, गांव के आधार पर इशारा आता है। आज जैसे कल बहुत ही में एक पत्रकार के साथ मारपीट की एक TI ने, हमने SP से बात की, उसको बताया कि देखिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, उसको इस प्रकार का बात पत्रकारों को बिना कुछ किए या फिर उनके पास एलिगेंस लगा करके थाने में भी बंद कर दिया जाता है। यस, और सरकारी ऑफिसों में भी धारा 353 का डर दिखा गया कि साहब ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई, इस प्रकार के प्रकरण होते हैं, तो हमने अपनी मांग में इस पर रखा है चीज़ को कि उससे उसको छुटकारा मिले और पत्रकारों की सुरक्षा की जाए, पत्रकार सुरक्षा आयोग बनाया जाए, उस पर नियमावली बनाई जाए पूरी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे 60 साल का पत्रकार हो जाता है पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, 30-40 साल अखबार का है, और 60 साल का होता है बोले साहब 10 साल पुरानी आपकी अधिमानता नहीं है, हम आपको पेंशन नहीं देंगे या हम आपको अधिमान नहीं मानते हैं। तो हमारी इसमें सबसे बड़ी मांग जो हमने रखी है, जो पत्रकार है जिसका RNI में रजिस्ट्रेशन है या जो वेब पोर्टल का रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार से है RNI में या जो वेब पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है, उनको उस दिन से पत्रकार माना जाए और उनकी अधिमानता की जाए, और उनकी पत्नी उनको खुद को स्वयं को रेल में बस में कंसेशन दिया जाए और चिकित्सकीय सुविधा में उनको रियायती दर पर उनका इलाज हो। तीसरी बात जो है कि पत्रकार उस स्तर पर आज की तारीख की जो स्थितियाँ हैं, मीडिया हाउस बंद होते जा रहे हैं, पत्रकारों की बेरोजगारी समस्या बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो कागज़ पे प्रिंट मीडिया पे जो कागज आता है उस पर 2% 10% कस्टम ड्यूटी कर दी है आयात पे, कागज जो आयात होता है, और विज्ञापनों पर प्रिंट मीडिया पे 5% विज्ञापन टैक्स लगा दिया है GST,
और इलेक्ट्रॉनिक पर 18% लगा दिया है। उसके कारण बड़े मीडिया हाउसों ने हमारे पत्रकारों की छटनी शुरू कर दी है, हमारी वेतन वृद्धि रुक गई है, हमारे साथियों की हमारी नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, इसलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। आज हम 30-30, 40-40 साल बाद काम करने के बाद हम बेरोजगारी की स्थिति में है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक और है, जिस तरीके से पत्रकारिता में जो फील्ड है इसमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रही हैं, आज की डेट में इन सब घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं वो पीछे हटती चली जा रही हैं, तो क्या ये डर फैलाया जा रहा है कि आगे पत्रकारिता की फील्ड में महिलाएं जो है सहम जाए, डर जाए? ये राजनीतिक संरक्षण वाले भूमाफिया और रेत माफिया वाले लोग हैं। अब कल ही हमारे एक बहन के साथ भोपाल में घटना हुई है, उसके रात को कपड़े फाड़ दिए गए, पत्रकार वो अपना समाचार संकलन के लिए गई थी, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, वो बेचारी रात में थाने में बैठी गई, इसकी रिपोर्ट नहीं हुई। हम मध्य प्रदेश जा करके अभी दोबारा CM से बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के, और लड़ाई को लंबी लड़ेंगे। उसी लड़ाई के लिए हम कह रहे हैं सुरक्षा प्रदान की जाए उन महिलाओं को, महिला हमारी साथियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। कभी व्हाट्सएप पे जैसे एक पोस्टर टाइप बन के आता है कि देश के योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है कि 3 लाख रुपये मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी, उसी में एक पोस्टर आता है कि अगर कोई पत्रकार को गाली देता है या धमकाता है तो 1 साल या 2 साल की सजा है और कम से कम 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना। ये क्या है? ये केवल जुमलेबाजियां हैं। आज तक किसी पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं दी गई, ये तो मतलब घटना होने के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इससे बड़ी क्या बड़ी बात होगी। अच्छा सर, जो महिलाएं हैं जो पत्रकारिता की फील्ड में हैं और वो अपना पूरा जीवन इसी फील्ड में निकाल देती हैं, यहाँ तक कि वो विवाह तक नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी कोई आप डिमांड कर रहे हैं सरकार से? नहीं, सरकार से यही जमाने कि उनको हर प्रकार से आर्थिक सुरक्षा भी दी जाए और उनकी नौकरियों को मतलब कहीं ना कहीं स्थायी रूप से दिया जाए, क्योंकि मीडिया हाउसों में भी क्या है कि शोषण किया, 10-20 साल 30 साल काम कराया और फिर बाहर कर दिया, तो उस चीज़ को हम ये मांग करेंगे कि मतलब मीडिया हाउसों पर इस बात का अंकुश लगाया जाए। जो आयोग बने हमारे हमारे सर्विस लॉन्च के लिए सारे आयोग जो बने उनको अमल की उनकी बातों को अमल किया जाए, जो विचार रखते हैं वो उनको अमल में लाया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम संजय कुमार शुक्ला है। और संजय कुमार जी, जिस तरीके से आज दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम पत्रकार, ऐसी क्या मांग है कि आज जंतर मंतर पे खुद पत्रकारों को धरना करना पड़ रहा है? देखिए, पत्रकार एक बहुत बड़ी शक्ति थी और है, लेकिन वर्तमान सरकार को तो हम यही कहेंगे कि पत्रकारों को धूल धूसित कर दिया गया है, उनकी हो रही घटनाओं को पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम विश्व पत्रकार महासंघ की तरफ से आए हुए हैं और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग के गठन की मांग करने आए हैं। सर, जैसे देखा जा रहा है कि आए दिन पत्रकारों के साथ उत्पीड़न बढ़ा जा रहा है, लेकिन उत्पीड़न किसके साथ हुआ जा रहा है? उनके साथ हो जा रहा है जो छोटे छोटे गांव में जाकर बच्चियों के साथ बलात्कार होना, मारपिटाई होना, दबंग लोग गरीब आदमियों के ऊपर दबंगई करना, ये सारी चीज़ें हमारा नेशनल मीडिया तो नहीं जाती है ना, तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार कि नेशनल मीडिया को तो कुछ कह नहीं रही है लेकिन जो लोग पत्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं और छोटे छोटे गाँव में जाकर सरकार को दिखा रहे हैं कि ये मामला यहाँ किस तरीके से हो रहा है? जैसे लोकल न्यूज़पेपर निकाल देते हैं या पोर्टल चला रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्यों सर? देखिए, टारगेट किया जा रहा है ये तो बात सत्य है, इसी को तो देख करके हम लोग आज यहाँ आए कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा बन जाएगा, तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या हमारे नगरीय क्षेत्र के हों, सभी पत्रकारों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से गांव में लोग दौड़ते हैं, पत्रकारिता करके गांव में दौड़ते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, इस पे तो सरकार को गर्व करना चाहिए ऐसे पत्रकारों को। बिल्कुल गर्व करना चाहिए और वो गर्व कर नहीं रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर आए हैं कि कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा देखा जाए और उनको संबल दिया जाए, सपोर्ट किया जाए और उनके आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य संबंधी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए पत्रकारों को सुरक्षा दी। अगर सरकार की हालत ऐसी ही बनी रही और सुनवाई नहीं करी जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और सुनवाई अभी भी नहीं हुई है, तो आगे आपके क्या कदम रहेंगे सरकार? देखिए, विश्व पत्रकार महासंघ के एक पदाधिकारी होने के नाते इस मुद्दे को जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम इसमें कुछ भी, जो भी हमारे संगठन के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मेन मांगा कि पत्रकार आयोग होना चाहिए। जी, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन होना चाहिए और होना चाहिए नहीं, करा के हम लोग जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं शिव शंकर त्रिपाठी जी, आइए इनका पहले हम परिचय जानते हैं पूरा। सर, अपना परिचय दीजिए।
देखिए, मेरा नाम शिवशंकर त्रिपाठी है, मैं विश्व पत्रकार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूपी का। सर, आपके साथ कुछ यूपी में घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी? देखिए, हमारे साथ अभी 30 जून को हाल ही में, लगभग 2 माह हो रहे हैं अभी, एक न्यूज़ कवरेज के दौरान कुछ अपराधियों ने हमारे साथ गांव में ही प्राणघातक हमला किया था, जिस पर हमने मुकदमा भी दर्ज कराया और एक अभियुक्त उस पर गिरफ्तार हुआ, बाकी 3 अभी फरार चल रहे हैं। और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कम से कम 15 मुकदमे हीनियस क्राइम के स्थानीय थाना में ही दर्ज हैं। उनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर जैसी कार्रवाई कई बार की जा चुकी है। तो इसलिए मैं ये चाहता था, क्योंकि हमारा पत्रकार समुदाय भी ये चाहता है कि भाई ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस समय कार्रवाई करने में कतरा रहा है। और मुझको जहाँ तक जानकारी मिली है, क्यों कतरा रहा है? हाँ, मुझको जहाँ तक जानकारी मिली है कि कुछ राजनैतिक दबाव विपक्षी द्वारा प्रशासन पे दिया जा रहा है, इसलिए अभी पुलिस निष्क्रिय है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो जिन्होंने अपराध किया था वो दबंग लोग थे? वो दबंग नहीं, वो तो महाअपराधी हैं। उनके विरुद्ध बताए ना कि गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला भदर जैसी कार्रवाई 2001 से हो चुकी है। यानी कि वो अपना डर फैलाए हुए हैं? हाँ, आतंक है उनका, उनका पूरे क्षेत्र में आतंक है, क्षेत्र नहीं बल्कि जिले में आतंक है उनका। तो ऐसी जो आप बता रहे हैं अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई जो करी नहीं गई, तो आपने इसकी शिकायत और अन्य कहीं करी, वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह? नहीं नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और जिला अधिकारी कौशाम्बी के माध्यम से और ADG जोन इलाहाबाद के माध्यम से हमने पुलिस महानिदेशक जी को ज्ञापन दिया और हमने कई जगह फैक्स भी किया, कई जगह कार्रवाई के लिए ऑनलाइन शिकायत भी की। और हमारा पत्रकार समुदाय, हमारा विश्व पत्रकार महासंघ का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य इस लड़ाई को लड़ने में आज जंतर मंतर पर भी आया है कि अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए हम लोग आज जंतर मंतर पे इसी विषय पे आज धरना दिए हैं कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए और पत्रकार सुरक्षा, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन भी हो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार का जो आप गठन कर मांग कर रहे हैं, ये नहीं होती है मांग, तो आप लोग इससे भी बड़ा कोई धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, पत्रकार कोई समाज का कोई हिस्सा नहीं है। पत्रकार एक अपने आप में एक अलग पहचान है और पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जितने भी राजनैतिक वर्ग हैं वो तो जेट श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था लेकर टहल रहे हैं, तो पत्रकार ये कैसा है कि पत्रकार का कम से कम अगर उसके साथ कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो क्या पत्रकार की सुरक्षा देना क्या गलत है? उसके साथ कानून बनना चाहिए। जैसे अभी मोदी जी ने कई कानून बना दिए भाई, अभी आपने देखा SC ST एक्ट में उन्होंने कानून पर तुरंत परिवर्तन करके उसको बना दिया। तो पत्रकार सुरक्षा आयोग, भाई हम कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे हैं, पत्रकारों के साथ सुरक्षा का एक आयोग का गठन हो, किसी की भी पत्रकार के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराकर अगर पत्रकार हमारा सही है तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये हम चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आए तमाम यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, और यदि ये पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन नहीं होता है तो ये और भी विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए हर वो कार्य करेंगे जो उचित होगा। नहीं, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए पत्रकार कलम का सिपाही है, वो तमंचे का सिपाही नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम लोग अहिंसा तो मतलब के पथ पर ही चल करके हर काम को करेंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री महोदय को इतना ज़रूर आगाह करना चाहूँगा कि शायद आपकी न्यूज़ अगर वो उनके कानों तक जाए, वो कभी देखें, तो कम से कम ये हो जाए कि कम से कम अगर पत्रकार उनसे मिलने का समय चाहते हैं, और बताइए हम 1.5 महीने से 2 महीने से उनके संपर्क में कंटिन्यू बने हुए हैं। अच्छा सर, एक खबर भी आई थी अभी, दो महीने ही होंगे, 1.5-2 महीने, मुरादाबाद में
सहारनपुर नहीं, मुरादाबाद में हॉस्पिटल था, उसमें क्या है कि पत्रकार लोग मुख्यमंत्री जी आए थे निरीक्षण करने और पत्रकारों को जो है बंद कर दिया गया था, तो कहाँ तक ये उचित है, क्या उनकी जो आवाज़ है उसको बंद करना उचित था क्या? देखिए ऐसा है, इस सरकार अभी जो ये सरकार आई हुई है बीजेपी की सरकार, वो चाहे केंद्र में हो और चाहे अन्य प्रांतों में हो, इस सरकार में हमने ये देखा कि ये पत्रकारों के आवाज़ों को दबाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ भी चुनाव वगैरह था, प्रयास करते क्या कोई कुछ बात है इस वजह से या फिर कोई सच्चाई सामने ना आ जाए? यही है ही है कि कोई सच्चाई सामने ना आ जाए। दूसरी चीज़ तो ये लोग ये स्वयं बता सकते हैं कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पत्रकारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, पत्रकार मौके तक पहुंच नहीं पाते, ये कोई पहली घटना आप नहीं बता रही हैं। ये तो चुनाव में भी इनको एक एक कमरा बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है पत्रकारों को, और वो चुनाव के स्थान तक नहीं जा पाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पत्रकारों का इस सरकार में हनन तो हो रहा है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, पत्रकार सबका है, पूरे समाज का है, पूरे पत्रकार किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, पत्रकार पत्रकार होता है, पत्रकार दबी हुई बातों को उजागर करने का कार्य करता है, पत्रकार सच्चाई के रास्ते पे चलता है, पत्रकार बहुत गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज़ शासन तक पहुंचाने का काम करता है, और शासन की बात दबे कुचले तक पहुंचाने का काम करता है, जो पत्रकार का माध्यम है, जो पत्रकार का शिष्टाचार है, वो पत्रकार कर रहा है। थैंक यू सर।